नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत में उद्योग और उसी के अंदर आज हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में। डिटेल से हर एक बात को कवर करूंगा, तो मित्रों आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। तो भारत के अंदर पहली सीमेंट फैक्ट्री अडियार मद्रास तमिलनाडु के अंदर 1904 को स्थापित की गई थी, लेकिन मित्रों ये फैक्ट्री थी जो असफल रही, जहां पर सीपीओ को पीसकर सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट बात करता हूं मित्रों, भारत के अंदर पहली सफल सीमेंट फैक्ट्री, ये 1912 के अंदर पोरबंदर, जो कहां पे है, गुजरात के अंदर, यहां पर स्थापित की गई, ठीक है मित्रों। फिर नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे और दूसरी सीमेंट फैक्ट्री की बात करता हूं, तो दूसरी सीमेंट फैक्ट्री मित्रों मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है कटनी, ठीक है, कटनी शहर के अंदर स्थापित की गई, फर्स्ट सफल यह होगी, सेकेंड ये हो गई, ठीक है। तीसरी की बात करो मित्रों, तो तीसरी सफल फैक्ट्री 1915-16 ईस्वी के अंदर लाखेरी बूंदी, ठीक है, ये लाखेरी बूंदी कहां पे है, राजस्थान के अंदर, यहाँ पे तीसरी सफल फैक्ट्री स्थापित की गई, ठीक है मित्रों, और राजस्थान की पहली थी। फिर बढ़ते हैं मित्रों आगे, सीमेंट उत्पादन में विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है, चीन फर्स्ट स्थान पे और भारत सेकंड स्थान पे, ठीक है। ये किसकी बात की मैंने, उत्पादन की, ठीक है मित्रों। और बात करते हैं मित्रों, जो भारत के अंदर जो सीमेंट है विश्व स्तरीय है, इस कारण भारत सीमेंट का निर्यातक है, यानी निर्यात करता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं बढ़ता हूं मित्रों आगे, राज्यों में उत्पादन की बात करता हूं, ठीक है, राज्यों में उत्पादन किस प्रकार है, तो मित्रों देखिए सबसे पहला स्थान है वो है राजस्थान का, जहां पे सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, ठीक है। दूसरा स्थान है मित्रों मध्य प्रदेश का, ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश, और तीसरा स्थान किसका है, तमिलनाडु का, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मित्रों, ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये तो बात की मित्रों मैंने सीमेंट उद्योग के बारे में जो बातें थी इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं चीनी उद्योग के बारे में, किसके बारे में, चीनी उद्योग, तो बात करते हैं मित्रों चीनी उद्योग, ठीक है मित्रों, ये ऐसा उद्योग है, ठीक है, जो कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है, ठीक है, जहां पे कच्चा माल मिल जाए, जैसे कि इसे कच्चे माल किसकी आवश्यकता होती है, गन्ने की, ठीक है, तो मित्रों जहां पे गन्ना उत्पादित ज्यादा होता है वहां पे स्थापित किया जाता है, ठीक है मित्रों। तो कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किया जाने वाला, ठीक है, और मित्रों इसको बोलते हैं स्थानीयकरण आधारित या फिर भारत होने वाला उद्योग, ठीक है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बात करता हूं, भारत में पहली चीनी मिल, ठीक है, भारत में पहली चीनी मिल कहां पे स्थापित की गई थी, वो की गई थी मित्रों मुजफ्फर बिहार के अंदर, ठीक है, और ये स्थापित की गई थी मित्रों 1903 के अंदर, ठीक है।
फिर बढ़ते आगे मित्रों, विश्व में ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। गन्ने के उत्पादन में भी ब्राजील प्रथम स्थान पे है और चीनी उत्पादन के अंदर भी ब्राजील प्रथम स्थान पे है। और उसके बाद नंबर आता है हमारा भारत, ठीक है। तो किसकी बात ही मैंने मित्रों, उत्पादन की, ठीक है। विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल से और भी बातें बताऊंगा, ठीक है मित्रों। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ राज्यों में उत्पादन की, और राज्यों में उत्पादन के बारे में देखते हैं। तो मित्रों सबसे ज्यादा जो चीनी का उत्पादन होता है वो होता है कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक उसके बाद नंबर आता है यूपी, ठीक है मित्रों। ये मैंने राज्यों में उत्पादन की बात की, और यूपी के अंदर गुड़ और खांडसारी का उत्पादन होता है, ठीक है। इसका गुड़ और खांडसारी का उत्पादन, ये थे बात मित्रों चीनी उद्योग के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जूट उद्योग के बारे में। तो देखिए मित्रों जूट उद्योग के बारे में बात करते हैं। मित्रों भारत के अंदर पहली जूट मिल, भारत के अंदर पहली जूट मिल 1855 ईस्वी के अंदर रीसरा, और जो पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पे पश्चिम बंगाल के अंदर वहां पे स्थापित की गई थी, ठीक है। 1855 के अंदर रीसरा पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित की गई थी, ठीक है। जूट से बने सामान के उत्पादन में मित्रों भारत का स्थान है कौन सा, प्रथम स्थान। दूसरा स्थान है मित्रों वो है बांग्लादेश का, ठीक है, इसमें जूट से बने सामान के उत्पादन में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट बढ़ता हूँ मित्रों आगे और बात करता हूँ राज्यों में उत्पादन की। राज्यों में उत्पादन किस प्रकार है, तो देखिए राज्यों में सबसे पहले स्थान पे है पश्चिम बंगाल, जहां पर अभी मैंने आपको बताया पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ठीक है, मिल स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल। पहले स्थान पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल। हुगली नदी घाटी क्षेत्र कहाँ पे उत्तर होता है ये मित्रों, हुगली नदी घाटी क्षेत्र। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ दूसरे स्थान पे वो है यूपी, ठीक है, और तीसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल यूपी और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई होगी मित्रों, लेकिन वर्तमान में समस्या ये है कि प्लास्टिक का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से जूट का सामान है, ठीक है, ये लोग खरीदना बंद हो गए, ठीक है, क्योंकि जो प्लास्टिक का सामान है वो सस्ता भी मिलता है, ठीक है मित्रों, और ये जूट का महंगा मिलता है, लोग खरीदते नहीं है मित्रों। वर्तमान के अंदर ये पतन की ओर है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अभी तो जब आपको मैंने बताया था, ठीक है, भारत का विभाजन हुआ तो उस टाइम भी ये प्रभावित हुआ, क्या प्रभावित हुआ, जूट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने तीन बताए, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और जूट उद्योग, ठीक है, थैंक यू।